हेलो दोस्तों, यह हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो चलो देखते हैं, पहला आता है सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें जो सैंपल्स होते हैं टोटल इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में सैंपल्स डिपेंड होते हैं। पैरामेट्रिक एनालिसिस टू टेस्ट ग्रुप मीन्स द पैरामेट्रिक एनालिसिस जो होता है वो एनालिसिस ग्रुप को टेस्ट करने के लिए होता है। जो है नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस टू टेस्ट ग्रुप मीडियंस, यहाँ पे जो नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस जो होता है वो मीडियंस को एनालिसिस करने के लिए होता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली नोन। जो पॉपुलेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है पैरामेट्रिक टेस्ट में पूरी पता होती है। वाइल नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इज अवेलेबल, जो पॉपुलेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पता नहीं होती। स्पेसिफिक अजम्पशंस आर मेड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। पैरामेट्रिक टेस्ट में जो अजम्पशंस हैं स्पेसिफिक अजम्पशंस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अगर नॉन पैरामेट्रिक में देखा जाए तो अजम्पशंस नहीं किए जाते हैं। अप्लीकेबल फॉर वेरिएबल, ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट है सिर्फ वेरिएबल के लिए अप्लीकेबल है। ये जो टेस्ट है एप्लीकेबल फॉर बोथ वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वेरिएबल्स के लिए भी एंड एट्रीब्यूट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। हैव मोर स्टैटिस्टिकल पावर, इट इज़ नॉट सो पावरफुल लाइक पैरामेट्रिक टेस्ट। जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इतनी पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू पैरामेट्रिक टेस्ट। अज्यूम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम किए जाते हैं, यहाँ पे कोई अज्यूम नहीं किया जाता। हैंडल्स इंटरनल डेटा और रेशियो डेटा, यहाँ पे जो डेटा है वो इंटरनल एंड रेशियो डेटा हैंडल किया जाता है। यहाँ पे हैंडल्स वो ओरिजिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल डेटा, रैंक्ड डेटा हैंडल किया जाता है। रिजल्ट कैन में सिग्निफिकेंटली अटैक्ट और अफेक्ट बाय आउटलाइड, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आउटलाइड से अफेक्ट किए जाते हैं। रिजल्ट कैन नॉट बी सीरियसली अफेक्टेड बाय आउटलाइड, यहाँ पे जो रिजल्ट है अफेक्ट नहीं किए जाते। नेक्स्ट आता है देखो पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर मीन्स, यहाँ पे वन सैम्पल टी टेस्ट होता है, यहाँ पे वन सैम्पल साइन होता है, टू सैम्पल टी टेस्ट होता है, वन सैम्पल विलिक्सॉन होता है, वन में एनोवा, देन हियर क्रूशियल वॉलिज मूड्स मीडियन टेस्ट होता है, फैक्टोरियल डो विद वन फैक्टर एंड दी वन ब्लॉकिंग वेरिएबल, यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर मीन होता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर मीडियंस के लिए फ्रीडियम टेस्ट यूज़ किया जाता है। So this is all about the difference between the parametric and non-parametric test. Thanks a lot.